नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं अभी आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने परवल, ये मेरा सोया बड़ी हो गया, ये मेरा आलू का मैंने कटिंग कर, उबला हुआ आलू है ये, प्याज कटा हुआ है, इसके बाद ये तोड़ी है फोरन लेने करने के लिए, इसके बाद ये मेरा हो गया परवल। परवल को आज तेल गर्म हो चुका है, इसके बाद हम इसमें तेल पत्ता डालेंगे, जैसे करी पत्ता भी बोल सकते हैं। इसके बाद ये हमारा हो गया इसे पकने देने के बाद ये सूखा हुआ मिर्ची डालेंगे। मिर्ची डालने के बाद जो है हम इसमें ये थोड़ा तोरी पाउडर है, इसको हम साबुत तोरी है, इसको डाल देंगे। ये पक जाएगा, पकने के बाद जो है इसमें हम, ये हमारा प्याज हो गया, ये मेरा तोरी पक गया, ये देखिए। अब इसके बाद जो हम ये प्याज डाल देंगे, वो अच्छी तरह से इसमें ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद जो है इसमें हम डाल दिया है ये पकड़ मेरा इसमें जो कि तैयार हो चुका है, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए से ढक देते हैं। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद जो है इसे हम ढक देंगे, तब ये परवल अच्छी तरह से पकेगा। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, ये देखिए थोड़ा सा हमारा ये लाल हो गया है, और थोड़ी देर के लिए इसे पकने देंगे। और इसे फिर से हम ढक देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने नमक दे दिया, नमक देने के बाद ये इसका ये गल गया है परवल। परवल गलने के बाद अब इसे हम अब सभी मसाला को एक एक चम्मच डाल के उसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा हो गया हल्दी पाउडर, ये हमारा मिर्च पाउडर, इसके बाद ये हमारा हो गया एक चम्मच गरम मसाला, इसके बाद हम देंगे ये हमारा गरम मसाला। से हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा इसमें पानी डालेंगे, हमने परवल डाल दिए हैं और पानी डाल दिया है, ये देखिए इससे मसाला भी गाढ़ा हो गया है। इसके बाद हम ये आलू जो है आप शायद फ्राई कर सकते हो, नॉर्मल से गिरा सकते हैं, इसे मसाला में पकने के लिए देंगे। अच्छी तरह से हम इसे ऐड कर देते हैं और फिर आवरी भी इसमें गिरा देंगे। गिराने के बाद जो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। ढक देने के बाद ये सारा मसाला जो है पैक में से हो जाएगा, फिर हम थोड़ा पानी डाल देंगे जितना पानी इसमें लगेगा, और इसे हम 5 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं। तो बाद ये चाय सब्जी किस टाइप का दिख रहा है, इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। मेरा सब्जी में जो मसाला में वो तड़का लग गया है, तड़का लगने के बाद इसमें हम जितना पानी इसमें डालना चाहते हैं उतना हम डाल के निकाल सकते हैं। और ये हो गया मेरा पानी, अब मैं इतना पानी डालूंगी, 5 मिनट के बाद मेरा सब्जी बन के रेडी हो जाएगा। मेरा सब्जी बन गया, अब थोड़ा सा पकेगा, ये बन के रेडी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक शुभकामना है। तो आज मैंने परवल आलू सब्जी बनाने की रेसिपी आपको बताया, इसके बाद जो है मैंने आटा गूंथ पहले से रखा हुआ था, अब मैं इसका आटे का रोटी बनाने जा रही हूँ, जिससे मेरा कढ़ाई तवा जो है गर्म हो चुका है। इसके बाद हम इसे बेल लेंगे, बेलने के बाद जो है इसमें हम रोटी डालेंगे। ये हमारा हो गया रोटी, अब इसमें हम डाल देते हैं। क्योंकि बच्चों को जो है आलू सोयाबीन ज्यादा पसंद होता है, परवल का सब्जी तो उतना खाना नहीं चाहते, परवल मिक्स हो जाता है तो आलू का स्वाद जो है टेस्ट बदल जाता है, इसलिए मैंने आलू का मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हम उसको आलू और बच्चे को परवल देंगे, आलू और सेवड़ी देंगे, और हम सभी जो है। तो देखिए दोस्तों, मेरा हो गया है, ये रोटी बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, देखिए मेरा गैस खत्म हो गया है, तो मैं रोटी बना रही हूँ इधर के चूल्ही पर। ये भी चूल्ही जल नहीं रहा है, गर्मी ज्यादा लग रहा है, ये देखिए गर्मी से मेरा बुरा हाल है, गैस खत्म है, बहुत दिन 2-3 दिन हो गया है। बंद कर दिया।
कुछ कुछ बोली बार बार चूल्ही बुझ जा रहा है, मम्मी को चूल्ही पे खाना बनाना नहीं आ रहा है, कैसे कैसे करके रोटी बना रही है। गरीबी से है बुरा हाल, गाड़ियों के वीडियो में देखे लकड़ी नहीं है, गत्ते से खाना बना रही हूँ। गत्ता खै खत्म हो गया, अब गत्ता लेके आना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मेरा खाना बन के रेडी हो गया है। ईटा का चूल्हे बिना खाना बनाया था। ये देखिए चूल्हे किस तरह का है, क्योंकि मेरे पास था तो मिट्टी भी नहीं है और दूसरा कोई व्यवस्था नहीं था जिससे मैं रोटी बना सकूँ, तो इसलिए मैंने सोचा मेरी सब्जी बनी हुई आधी पकी हुई है, आधा पक कर रेडी है, थोड़ा सा काम सजा हुआ है लेकिन वो चलने वाला है। लेकिन और ये देखिए जो मेरा ये, तो देखिए मेरा रोटी बन के रेडी हो गया है। अगर मेरा ब्लॉग आज को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं रिंकू ब्लॉग यूट्यूब। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। वंदे मातरम, जय हिंद।